तो ये बच्चा छोटा सा आप लेके अभी आप किधर आई हैं? अभी आइस लेने। कितनी देर होगी नशा करते हुए? मुझे हो गए हैं 5 साल। ये भी बेटा है? हाँ ये भी बेटा है। ये कितने माँ का? 2 का। अपने साथ ज्यादती करनी थी अब खो रही है तो क्या करें? क्या मजबूरी है मुझे ये तो बताएं। मैं यही जानती आइस का नशा करती हैं और इसके अलावा चर्स। आप पढ़ी हुई हैं? हाँ। कितना पढ़ी? मैंने बीए किया हुआ है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ आखिर ये शक्लें चेंज क्यों है मेरे अपनों की। जो मामला है ना इतने दिनों से इतने सालों से इतने महीनों से जिंदगी भर का ये आज क्लियर हो जाएगा। हाँ। अब वो पाउडर पीती हैं शराब पीती हैं क्या करती हैं वट एवर उनका पर्सनल मैटर है आई कॉन्ट डिस्कस। मैंने यहाँ मर्डर होते देखे लाइव। मैंने यहाँ लाशों को पड़े हुए देखा है और मैंने खुद पोस्टमार्टम किया है उस लाश का जब वो वापस आई है। ये नाजायज बच्चे है? जाहिर बात है दुनिया में तो नाजायज ही है। ये तो हमारी शराफत है हम जायज किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अक्सद अकरम इस्मान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। इस वक्त जो लड़की आपको मेरे साथ नज़र आ रही नाज़रीन, इसका शोहर इसको छोड़ के चला गया। शोहर छोड़ के चला गया, शोहर के जाने के बाद अब ये मेरी बहन नशा कर रही है। अब देख ले नाज़रीन कि ये पूरी फैमिली है। बच्चा है गोद में, 2 माँ का बच्चा है, साथ में इनकी बेटी है और अब ये भटक रही हैं और पूछते हैं कि क्यों नशा कर रही हैं, आखिर इसकी वजह ऐसी क्या पड़ गई। तो इनसे जानते हैं बच्चा किसके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक। मेरी बहन क्या नाम है? सुंबल। सुंबल नशे पे कैसे लग गई और छोटी बच्ची भी उठाई हुई है आपने, तो कितनी देर होगी नशा करते हुए? मुझे हो गए हैं 5 साल। 5 साल हो गए तो शोहर को छोड़े हुए यानी तकरीबन 5 साल हो गए। हाँ। तो क्यों छोड़ के चला गया था? पता नहीं वजह बनी होगी। तो उसके छोड़ जाने के बाद आखिर नशा ही हल था कि आप नशे पे लग गई? हाँ। ये बच्चा किसका? मेरा। शादी कर ली है? शादी कर ली है? तो वो हस्बैंड किधर? काम गए। उनको पता है नशा करती है? हाँ जी। हाँ जी। और ये बच्ची भी आप? हाँ। टोटल कितने बच्चे हैं? मेरे 4। 3 बेटे और 1 बेटी। 3 बेटे हैं और बेटी। 1 बेटी। ये भी बेटा है? हाँ ये भी बेटा है। ये कितने माँ का? 2 का। मुझे बताएं, मैं सुमल जानना चाह रहा हूँ कि क्यों आप ऐसा कर रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बच्ची हैं, अपने बच्चों का नहीं आपको एक ख्याल है कि मैं क्या कर रही हूँ? सब पता जानते हैं। नहीं अपने साथ ज्यादती करनी अब खो रही है तो क्या करें, कहाँ जाएं? जब मजबूरी है अगले की भी मजबूरी है, अपनी भी मजबूरी है, औरों की भी मजबूरी है, सब कुछ देख रहा। क्या मजबूरी है मुझे ये तो बताएं। मैं यही जानती आइस का नशा करती और इसके अलावा चर्स भी पीती हैं। सबसे पहले कौन सा गया था? चर्स। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि शोहर जब छोड़ के चला गया तो नशे का एक हल था ये था कि आप आ गया ना छोड़। शोहर नहीं लगाया था? हाँ। छोड़ा क्यों आपने उसको? हरकतें नहीं सही थी उसकी। क्या हरकतें थी? लड़कियों के साथ मेल जोल, बदमाशी, ये काम क्या करता था? यही बदबस बदमाशी करता था। इसको मार, उसको रोक, इस पे इल्ज़ाम, उसको पकड़ा, गलत लोगों को छुड़वाना, सही लोगों को फंसा देना, मजलूमों की सुननी नहीं, गैरों का साथ नहीं देना, अपनों को पहचानना नहीं, खून की पहचान ही कोई नहीं, बंदे का उसे पता कोई नहीं, सामने साला बैठा, साली बैठी है, मामू बैठा, चाचा बैठा, ताई है, बच्चा बैठा है, उसे कोई होश नहीं और न्यूट्रल है। ये भी नहीं कि नशे में, हम तो फिर नशे में है ना, और हम किस तरह बैक घेर, फ्रंट घेर, राइट लेफ्ट, अप डाउन सारा कुछ ही कर रहे हैं। वो तो ये करके भी अभी देख रहे हैं यहीं कितने चेहरों में दिखाऊँगी, अभी तो एक चेहरा आया। अभी तो ये जितनी देर मैं यहाँ हूँ, जब तक मेरा दिल करेगा मैं तब तक होती हूँ। जब मेरा दिल घबरा जाता है ना फिर मैं फ़ौरन निकल जाती हूँ। हो सकता है मुझे आइस मिले अभी, मैं अभी कमरे में चली जाऊँ।
फिर मैं कमरे में अकेली बैठ के रिसर्च करती हूँ, सारा कुछ देखती हूँ, बैठी कमरे में होती हूँ पर हर चीज़ का पता होता है, और बाहर आती हूँ तो आप जैसे से इनसे लोगों से मुझे पता लग जाता है कि हो गया ऐसा कुछ। आप पढ़ी हुई हैं? हाँ। कितना पढ़ी? मैंने बीए किया हुआ। बीए किया हुआ? हाँ, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर ये शक्लें चेंज क्यों है मेरे अपनों की, ये क्या है कि अपने सामने खड़े हुए हैं और शक्ल पे मायूसी, ये क्यों, यही तो सच जानना है। अब आपने बीए किया हुआ है, कोई आप जॉब ढूंढ लेती हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर लेती हैं, अब बच्चों की परवरिश भी नहीं हो रही, जो शोहर आपने दूसरा किया वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो भी आप मुझे बता रही थी कि वो भी आज हो जाएगा जाने से पहले, अभी एक राउंड मैंने करना है, दूसरे राउंड में क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए, देखते हैं, अभी नहीं पता मुझे, यानी कि क्या हो जाएगा, मैं यही जानना चाह रहा हूं। ये मेरा जो मामला है ना, इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने महीनों से, जिंदगी भर का, ये आज क्लियर हो जाएगा। तो उससे शादी को कितनी देर हुई है? एक साल। तो ये बच्चा छोटा सा आप लेके अभी आप किधर आई हैं? अभी आइस लेने। अभी आइस लेने के? हाँ, इधर डीलर होते हैं ना, आगे पीछे फिर रहे होते हैं, आते हैं कहीं से बाहर बूर से, यहाँ के नहीं है, बाहर के, तो उनसे लेंगे। हाँ। दिन में कितनी दफा आइस कर? जितने पैसे हों तकरीबन। अब तो हालात जरा अल्लाह का शुक्र बेहतर जा रहे हैं, तो दिन में 3-4 मरतबा तो करती हूँ, 1000 की तो हो जाती है मेरी। जनाब ये सुमल, ये आपने छोटी सी, ये बच्चा है नाजिंग, ये देखिएगा आप, ये मासूम बच्चा है, इसको आप लेके आ गए, ये कैसा माहौल हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि किस माहौल में रह रहे हैं। आप यहाँ की ना, आपने अगर कोई स्टोरी बनानी है या कोई इस तरह का मसला ना, तो आप यहाँ ना लेडीज़ पे रिसर्च कीजिए, आप जितनी लेडीज़ पकड़ेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स भी जानेंगे, क्यों वो यहाँ बैठी हैं, क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, पता नहीं किसको आपकी ज़रूरत भी हो, वो नज़रें आपको देखती हों पर यहाँ बुलाने ना देते हों, या बात ना करने देते हों, सुनने ना देते हों, आपको ना पहुँचने देते हों, आप ज़्यादा लेडीज़ से शुरू कर दें, करें ना, जितनी भी लड़कियाँ आई हैं सब नशा करती हैं, अब वो पाउडर पीती हैं, शराब पीती हैं, क्या करती हैं, वट एवर उनका पर्सनल मैटर है, आई कांट डिस्कस, पर आप इंटरव्यू सिर्फ फीमेल्स का कीजिए, आपको यहाँ के मेल्स के बारे में खुद पता लग जाएगा कि हमने जो कहा है वो सही है क्या गलत। तो आप बता दें आपने क्या देखा, आपने क्या देखा यहाँ पे, आप बता। मैंने यहाँ मर्डर होते देखे लाइव, मैंने यहाँ लाशों को पड़े हुए देखा है, और थोड़ी देर बाद उसी जगह पर लाश है भी नहीं, गायब है, और फिर उसी जगह पर लाश है भी। अब क्या हम इतनी अंडरग्राउंड वायरिंग पे जाएं कि भाई क्यों लाश यहाँ थी, और थे होने के बाद ये, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया है उस लाश का जब वो वापस आई है। आपने पोस्टमार्टम? हाँ जी, और वही बाबा, वही शक्ल जिंदा होते भी मिला है, वही शक्ल बार बार मिला, वही शक्ल बार बार मर रहा भी है, आखिर क्या मसला है, बाप तो मेरा मरा है। पर मैं इतनी डीपली या इतने बैक पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि वन ईयर इज़ माय टू स्टिकली कह लो टाइम फॉर माय लाइफ, के इतना एक साल में कि मेरा अपने सारे धर्म भरम हो गए, मिलते हैं, देखती हूँ, पहचान भी लेती हूँ, पर ना छू पाती हूँ, ना बात कर पाती हूँ, ना बता पाती हूँ, ना पूछ पाती हूँ, पर मैं ये इनके मुँह से जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर एक बंदा है ना हमारी तरफ का, तो इधर की एक औरत भी है, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, पर एक औरत भी है, वो औरत कौन है, मुझे तो दो तीन ही नामियाँ पता है, किरण का पता है, और एक वो छोटी है रोज़ी, वो ये दो का मुझे ज़्यादा है, और एक भाभी। बात नहीं करना चाहती मैं उनसे, बड़ी देर बात करने की कोशिश उनसे करें, आप चैनल वाले हैं, वो चैनल वाले हैं, लेकिन हम ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते ना। नहीं देती इंटरव्यू, आप कह दीजिए, आप अपना कंटिन्यू रखें, आप कहें ये ज़रा शर्मा, बता दें आप बता दें आप उनके साथ आपकी काफ़ी बैठ हमारा नहीं बैठना उतना उनके साथ, हम तो उन्हें मुंह भी लगाना पसंद नहीं करते। वो एक लड़की यहाँ पे वो लास्ट स्टेज पे है, और एड्स 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 की वो पेशेंट है, कौन है दिखाएं यहाँ पे? अच्छा मुझे ये बता दें, मुझे जो लड़कियाँ मुझे एक सुमर एक बात बताएं, जो लड़कियाँ आपको इस वक्त देख रही हैं उन तक कोई मैसेज पहुँचाना चाह रही हैं आप? उन तक मैसेज यही पहुंचाना चाह रही हूं कि अपनी गलती को अगर मान लेंगी तो ठीक है, बता दो मानी गुजर कहाँ है, कौन से थाने में है, और क्यों है, किस वजह से, और थाने वालों ने दो बंदे क्यों मांगे हैं, वो दो बंदे किरण क्यों नहीं दे रही, अगर उसका शौहर है या उसका दोस्त है या कुछ भी है, वो किरण दो बंदे क्यों नहीं नाम दे रही, कि अपने शौहर को नहीं मेरे शौहर को, चलो मानी गुजर कौन? मानी गुजर कौन? वो एक दोस्त है मेरा यहाँ बहुत अच्छा। अच्छा ये वो आपका, आप
शोहर भी बता रही हैं और आप दोस्त हम भी शोहर ही कहेंगे ना, हम यार तो नहीं कहेंगे, बच्चे को हराम तो नहीं करार देंगे ना। नहीं मुझे ये बताएं कि वो वाकई में शोहर है या बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड है। तो ये बच्चा फिर नाजायज़ है ना? हाँ ये नाजायज़ बच्चा है, जाहिर बात है दुनिया में तो नाजायज़ ही है, ये तो हमारी शराफत है हम जायज़ किए जा रहे हैं। नाजिन ये बच्चा देखें कितना मासूम बच्चा है, और एक तो इसको शोहर का गम और दूसरा ये बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान है, और अब नशा कर रही है, आइस पी रही है और अभी आइस भी लेने आई है, मासूम बच्चा है इसकी गोद में। नाजिन ये सूरत हाल जो है हम आपको दिखा रहे थे और ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ज़रूरी थी, यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए हैं, स्टोरी सुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। इंतज़ामिया खामोश है, खामोश तमाशा ही बनी हुई है। हकूमत को चाहिए कि ऊपर के लेवल तक ये काम करें जहाँ से ये नशा प्रोवाइड किया जाता है। इंतज़ामिया तो खामोश है, लोग आते हैं नशा लेने के लिए, पैसे लेके आते हैं, उनको पता है यहाँ पे हम आएंगे इजीली अली पार्क से हमें नशा मिल जाएगा, लेकिन इंतज़ामिया खामोश है, खामोश तमाशा ही बन रही है। तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नई भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।